हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि डायबिटीज़ को कैसे ठीक करने किया जा सकता है, डायबिटीज़ को ठीक करने का तरीका कौन सा है, एक महीने में डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। आपको इसका मेथड बताती हूं। 20% काम करती है डायबिटीज़ को ठीक करने में वॉक, जो कि आप मॉर्निंग वॉक करते हो वो 20% काम करेगी। कम से कम आपको 30 मिनट सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए जिनको भी डायबिटीज़ है। इसके अलावा जो आप डाइट ले रहे हैं वो 50% तक डाइट काम करेगी और 30% तक ट्रीटमेंट काम करेगा। वॉक आपको ज़रूर करनी है, डाइट प्लान ज़रूर आपका होना चाहिए। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो कि डाइट कौन सी लेनी चाहिए, यानी कौन सी चीज़ों को आपको खाना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्होंने कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कम लेना होता है, इसीलिए ये कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए ये वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा लास्ट में आता है ट्रीटमेंट। तो आज मैं इस ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, ऐसे ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ जो कि 30% जो पार्ट अपना डायबिटीज़ को ठीक करने में अदा करता है, ऐसा ट्रीटमेंट जो अगर आप एक महीने तक फॉलो करोगे तो ये कॉम्बो जो होता है पूरा डाइट प्लस वॉक प्लस ट्रीटमेंट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक मंथ में आप देखेंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती, ये बात गलत साबित हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट उन रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, और उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बात करते हैं इस ट्रीटमेंट की। ये डायबिटीज़ की बीमारी आजकल हो ही ऐसी चुकी है, या फिर तो हर एक दूसरे इंसान को डायबिटीज़ है या फिर होने की आशंका है, क्योंकि जैसा लाइफस्टाइल हम आजकल जी रहे हैं तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी यूं ही हर एक इंसान को हो रही है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इंद्रजों। इंद्रजों का नाम सुनकर आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। इंद्रजों अकेली ही, सिर्फ और सिर्फ इंद्रजों का आपने यूज़ करना है। इंद्रजों अकेली ही डायबिटीज़ को ठीक कर सकती है। इसको इंद्र कड़वा यानी भी कहा जाता है। ये खाने में थोड़ी कड़वी होती है, और डायबिटीज़ यानी कि जो ब्लड में मीठा आ चुका है उसको न्यूट्रल करती है, नॉर्मल करती है। लेकिन इसके टेस्ट को नॉर्मल करने के लिए आपको इसके अंदर बादाम और भुने हुए चनों को ऐड करना है। बादाम और भुने हुए चनों को ऐड करके इसके टेस्ट को नॉर्मल करना है। भुने हुए चने का यूज़ इसमें किया जा रहा है इसके टेस्ट को चेंज करने के लिए, और बादाम का यूज़ किया जा रहा है जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, उसको दूर करने के लिए। अगर आप इसका कम्प्लीटली देखना चाहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी कमजोरी को कैसे दूर किया जाए, तो आप मेरे चैनल पर इसकी वीडियो भी कम्प्लीटली देख सकते हैं। आपको क्या करना है शुगर के इलाज के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट को फॉलो करने के लिए, आपको बराबर की क्वांटिटी में यानी कि 50 ग्राम आपको भुने हुए चने लेने हैं, 50 ग्राम आपको बादाम लेना है बादाम गिरी, और 50 ग्राम ही इंद्रजों लेना है। इनका बारीक नहीं बल्कि आपको एक दरदरा पाउडर तैयार करना है, और आपको खाना खाने के 20 मिनट के बाद एक चम्मच, पूरे दिन में सिर्फ एक चम्मच ही लेना है, गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। एक मंथ के लिए आप इसे फॉलो करिए, फिर आप देखेंगे कि एक ऐसी बीमारी बन जाएगी जो कभी आपको थी लेकिन है नहीं। इसीलिए आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ये थी इन्फॉर्मेशन डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ में क्या चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।